फ्री सर्विसेज दे रहे हैं दूध की, आइए मसाला दूध पी के जाइए। नाइट ऑयल, कोल्हापुरी। इसमें कितना दूध आता होगा एक बारी में? 150-160 के आसपास। एक बार आप स्पाइसी की दुनिया में आ जाते हो ना, फिर आप नॉर्मल नहीं बन सकते। मस्ती से चलते हैं इंदौर में, है ना। हैप्पी बर्थडे, स्पाइसी खाने इज अ सुपर पावर। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी, और संडे स्पेशल इंदौर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत क्रेजी चीजें हैं वीडियो के अंदर। कमेंट्स में बताओ आपको स्पाइसी खाना पसंद है या मीठा खाना पसंद है। वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। वेजी पाची, ये नए कोल्हापुरी है, स्पेशल है। कौन सा खिलाओगे? असल में क्या रहेगा? स्पेशल में चीज आता है, चीज डाल दो ऊपर। और कोल्हापुरी तिखट रहेगा एकदम? हां, स्पाइसी आता है, स्पाइसी रहेगा एकदम। सेम रहेगा आपको तो अच्छा तीखा वो लगेगा कोल्हापुरी, स्पाइसी कोल्हापुरी। इधर कुल्फी मशहूर है कि पाव भाजी ज्यादा मशहूर है? इंदौर में सबसे फेमस है मोहन कुल्फी, लाल आगरा वाले। क्या रेट रहता है इसका? इसका 140 है। कोल्हापुरी, कोल्हापुरी का 160 है। नहीं, मजा आएगा आपको कोल्हापुरी में, तो मजा आएगा। कोल्हापुर तो है पूरा तिखट भरा हुआ है, मतलब दुनिया का अलग से तड़का आएगा। अच्छा, तड़का अलग से डलेगा। पाव भाजी पे थोड़ा सेव गिराते, थोड़ा इंदौरी वाली चाट होती है और जोरदार बढ़िया बनी है। दिल्ली से जी, ये सबसे पुराना है, पूरे इंदौर में सबसे पुराना शॉप है। तो बन गई ना ये, तो ये हो गई रेडी। कोल्हापुरी में तड़का कैसे रहेगा? अच्छा चलो, लगेगा तो बताएंगे। बनाएंगे ना, अभी अलग से बनेगा। एक प्लेन कर दो, एक स्पाइसी, वो कोल्हापुरी ठीक है। अच्छा, कोल्हापुरी का तड़का लग रहा है, कोल्हापुरी पाव भाजी का तड़का लग रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्पाइसी होने वाला है। लहसुन की खुशबू है, क्या है, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट है, लहसुन भी है, लहसुन अदरक बता दो, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट, थोड़ा पानी। कोल्हापुरी, लाल मिर्च पाव भाजी और नमक, कोथिंबीर, तड़के के नाम पे बस एक वो मिर्ची का तड़का ही लगता है ना कोल्हापुरी पे, बटर तड़का। स्पाइसी पाव भाजी खा लोगे प्लेन भूल जाओगे। हाँ, है ना। मऊ कुल्फी, ये मऊ नाम कैसे पड़ा? मऊ वाले हैं ये, मऊ में इनको हेड ऑफिस मऊ है। अच्छा अच्छा, मऊ जगह के उस पर जैसे चीज पड़ता है स्पेशल पाव भाजी में, इस पर चीज की बजाय ये स्पेशल सा तड़का लगा, कोल्हापुरी तड़का। बाकी कांदा, नींबू वगैरह, फलाना ढिमकाना और माउस सेक के ये सही जुगाड़ लगा रखा है। पैकेट खत्म हुआ, नया पैकेट डाला। हाँ, एक पाव भाजी, दो पाव भाजी, एक्स्ट्रा भाजी चाहिए होगी, मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। इसमें और इसमें फ़र्क आपको दिख रहा होगा, इसका यहाँ पे बटर दिख रहा है, यहाँ पे बटर नहीं दिख रहा। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इसका कलर काफ़ी सादा है। वीडियो को लाइक कर दो, आइए पहले पाव भाजी खाते हैं। और नाम इसका है मऊ कुल्फी, तो कुल्फी भी छकेंगे ना यहाँ पे भाई। ये है जैसे आपको बताया था ना, सादी पाव भाजी, बड़ी सादगी से बनती है, क्योंकि सादी पाव भाजी ना बहुत गंदा वाला जो था, बारीक बारीक कटा हुआ कांदा, मतलब ये पाव भाजी वाले लोग ट्रेनिंग लेनी चाहिए कैसे प्याज काटना है बारीक बारीक एकदम। सॉफ्ट सॉफ्ट पाव है। इंदौर जो है ना, आपका पड़ता कहीं ना कहीं दिल्ली और मुंबई के बीच में, तभी जो इंदौर की संडे स्पेशल वीडियोज़ है ना, वो भी मुंबई की गर्दी और दिल्ली की सर्दी के बीच में आती है, इंदौरी मस्ती कैलेंडरियल में। तो इंदौर का जो पाव है वो मुंबई जैसा एकदम सॉफ्ट नहीं है, बट दिल्ली जैसा एकदम कड़क और इतना बेकार भी नहीं है, तो एकदम मस्त है। पाव भाजी सही थी, बट जो चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना, दैट इज दिस थिंग, दिस राइट हियर इज कोल्हापुरी स्पाइसी पाव भाजी। जैसे कि वो कढ़ी चावल में भाई वो तड़का नहीं लगाते, वो मम्मी लगाती है ना ऐसे देसी घी और लाल मिर्च का, कोल्हापुरी स्पाइसी। जस्ट ऑब्वियसली अब लाल मिर्च इस पर भर भर के पड़ी है, तो ये तिखड़ होगी ना। एक बार आप स्पाइसी की दुनिया में आ जाते हो ना, फिर आप नॉर्मल नहीं बन सकते। ये तो वही बात हो गई कि स्पाइडरमैन को एक बार स्पाइडर ने काट लिया, फिर वो बिना दीवारों पर चढ़े रह ही नहीं सकता। स्पाइसी खाने इज अ सुपर पावर, एक बार आपको मिल गई ना, ओए हो, देयर इज नथिंग लाइक इट। अब भाई स्पाइसी खा के मुंह भी तो करेगा ना, कुल्फी लगवाएंगे इनकी, पहले इसको एंजॉय करते हैं। बहुत कमाल की पाव भाजी है, मऊ पाव भाजी की, कोल्हापुरी पाव, सादी पाव भाजी है, कोल्हापुरी सादी में सादगी है पर स्पाइसी में सुपर पावर है। कुल्फी कौन कौन से फ्लेवर का रहता है? कुल्फी है केसर पिस्ता मटका कुल्फी, जो फेमस है इंदौर में हमारे लाल आगरा वाले के नाम से। यही कुल्फी से शुरुआत हुआ था? यही शुरुआत, यही मेन कुल्फी है। अच्छा, पीछे जो देखे वो पार्सल वाले थे वो। अरे नॉर्मल मटका कुल्फी रहती है। क्या रेट है इसका? इसका रेट है 75 का एक प्लेट।
75 एक प्लेट। हाँ। बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रखा है, एक कोल्हापुरी वाला पाव भाजी खाओ और एक तिखड़ और एक फिर कुल्फी खाओ, केसर पिस्ता कुल्फी। पहले मिर्च लगवाओ फिर मिर्च बुझाओ, पानी की कोई जरूरत नहीं है, केवल दूध की रहती है। बहुत शानदार स्पाइसी वाली पाव भाजी तो बड़ी मस्त लगी थी। बिकॉज अभी बाहर हो रही है बारिश, हम लोग स्टक है तो कुल्फी खाते रहेंगे ऑफ कैमरा पेट भर भर के। मैं तो बस देखूंगा भाई खाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ट्रैवलिंग पाजी बिहाइंड द सीन्स इंदौर सीरीज देख के कि भाई कैसे रसगुल्ले पे अटैक कर रहा था, पता है लोगों ने देखी है सच्चाइयां। बढ़िया कुल्फी है, ओनली 75 रुपीस पाव भाजी कुल्फी, दो बंदों का खाना। एक पाव भाजी लो 15 रुपए का एक्स्ट्रा, पाव लो दो लोग मिलके खाओ, एक कुल्फी लो दो लोग मिलके खाओ। बारिश अगर ऐसी हो रही होगी ना, मस्त सा मौसम हो रखा है ना, ऐसे मन मस्त मगन हो गया है ना। अब किसका नाम चल रहा है उन वाले स्पेशल दोस्तों का। सही है। क्या बना रहे हो सौरभ भाई? जामुन शॉर्ट्स बना रहे हो? जामुन शॉर्ट्स, ये जामुन है भाई, हम तो वो जामुन वो वैसे वाले फ्रूट्स वाले खाते हैं। हाँ वही, उसी का पल्प है जामुन। अच्छा, जामुन के शॉर्ट्स बना रहे हो जी, ये आपके स्पेशलिटी है क्या? जी आनंद सिंह की स्पेशल, आनंद श्री पूर्व व्यंजन। थोड़ी सी अपन इसमें आइस डालेंगे तो मैं हेल्प करूँ क्या जी? हाँ बताइए कितना डाले। हाँ वन दो पीस डाल दीजिए। एक पीस ये वाला बड़ा वाला डालो जी। हाँ बस। आज मैं आपका क्या नाम है जी? सौरभ यादव। सौरभ जी से मैं जी। जामुन शॉर्ट्स बनाना सीख रहा हूँ जी। इसमें अपन सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, ठीक है। इसका क्या प्राइस रहता है? इसका है अपने यहाँ पे 140। फोर शॉर्ट्स का, चार दोस्त जामुन शॉर्ट्स जी, मस्त पियेंगे जी। ये सॉल्ट अपन ने पहले, हाँ ये नमक आप ही डालो जी, कम ज्यादा हो गया फिर मेरे को लोग बोलेंगे। इसमें शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी, शक्कर जी। अब इसमें थोड़ा सा अपन पानी, इसका वो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए पल्प। ये जामुन शॉर्ट्स यहाँ पे कितने टाइम से मिल रहे हैं? यहाँ पे काफी टाइम हो गया, 8 साल से ज्यादा। 8 साल से मिल रहे हैं। अब वो छोड़ो, अब ये देखो यहाँ पे सुजाता है वहाँ पे चीज बढ़िया होती है। अक्सर हमेशा सुजाता ही, किचन चल रही है सुजाता के भरोसे, जैसे रोड बन रही है जेसीबी के भरोसे, है ना। जामुन शॉर्ट्स पी रहे हैं जी इंदौर में। एरिया कौन सा पड़ता है? विजयनगर। सॉल्ट लगाएंगे, ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, वो हाई फाई लोगों का एरिया है तो हाई फाई चीजें करना जरूरी है ना जी। जी ये नमक, ब्लैक सॉल्ट। पर ये ऐसी चीजें होती है ना, आप जितना मर्जी घर पे ट्राई कर लो, जो मजा यहाँ पे आएगा ना वो नहीं आएगा ही नहीं। हाँ, ये मनी शॉट है ना जी। इंदौर में है अभी हम लोग और जामुन शॉट्स पी रहे हैं जी। अपन पानी डालें। अरे इसके आगे आगे देखो, इसके आगे होगा क्या? अभी हम मस्त इफेक्ट्स आएंगे। नाइट्रोजन। और ये तो चार चार शॉट्स एक एक बंदा पिए तभी मजा आएगा, है ना? ओ भाई, इफेक्ट खत्म होने से पहले इसको पीना है। चीयर्स, चीयर्स करें, चीयर्स, चीयर्स, चाय, चीयर्स टू जामुन शॉट। ये विजयनगर फैंसी है तो जामुन शॉट चीयर्स। वो जामुन का वो जो सूखा सूखा जीप पे आता ना, वो ऊपर लगता है। असली मजा जामुन का उसी में है। शॉट्स बहुत पिए, अलग अलग जगह पे पिए, आज पहली बार बनते हुए देखा, उससे ना एपेटाइट और बढ़ गया। अभी एक शॉट पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं है, एक और कुछ शॉट वॉट लेते हैं और उसके बाद फिर आगे कार्यस्थान चलता रहेगा ना। वैसे शॉट का कॉन्सेप्ट पता है कैसे रहता है? शॉट एक बार ही में लेना चाहिए, ब्रेक में नहीं लेना तो चारों फेल हो गए हम लोग। कच्चे खिलाड़ी है ना। आप बता रहे थे वैरायटीज के बारे में, वैरायटीज कहाँ से आई, मतलब कैसे आइडिया क्लिक करा? सर हमने कुछ ऐसा सोचा कि व्हाई नॉट, जैसे कॉफी शॉप होती है जिसमें अलग अलग टाइप के लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कॉफीज होती है, अलग कॉफी, व्हाई नॉट फ्रूट्स और उनके साथ भी अपन कुछ ऐसे ही प्ले करें। तो ये है आपके लिए स्पेशली स्मोक एंड फायर शॉट्स। ओए आज जिसका भी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू देम। नाइस, दिस इज लाइक बेसिकली जैसे वो ब्राउनी शेक होता है उसका शॉर्ट, हेंस द नेम शॉर्ट्स, है ना। नाइस, बट आई थिंक मेरे को वो उस चीज की ना अभी आदत नहीं हुई है, शॉर्ट को शॉर्ट मानो, शॉर्ट को शॉर्ट मानो, इसे एंजॉय करना है। एक क्विज दो और लोग पूछे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट में से कौन पसंद करता है, क्या लगता है? ऑब्वियसली लोग स्ट्रॉबेरी बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी बोलेंगे ना। स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रीम। हैप्पी बर्थडे टू गुडनेस, लेट्स सेलिब्रेट गुडनेस, लेट्स डिग इन। क्या टाइमिंग्स मैच कर गई आपकी और हमारी, लाइक दबा दो ना इसी बात पे, ऊपर से नीचे आ गए, सही है, कहीं पे भी हो इधर आ जाओ। फ्रूट्स की मस्त वैरायटी है, स्ट्रॉबेरी, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रीम, जस्ट स्ट्रॉबेरी क्रीम, दैट्स इट, एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। उधर रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? अशोक जैन। अशोक जी ये क्या है पहले ये बताइए, दूध? ये दूध गरम हो रहा है, गरम हो रहा है कढ़ाई के लिए, कढ़ाई के लिए। यहाँ पे ये दूध की आपकी बड़ी तारीफ है, सुनिए जी।
60-70 साल पुरानी दुकान है मालिक। अच्छा, ये 45-50 मिनट चलेगा, जब जाके ये उकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला दूध कढ़ाई में डालेगा। ये कितना दूध होगा इधर? ये 90 लीटर के आसपास। 90 लीटर के आसपास, 90 के बीच। अच्छा, अब ये दूध हो रहा है, क्या लगा रखा है? वो हिलता रहे दूध, दूध पलता लगता नीचे ना लगे, नीचे वो प्लेट लगी हुई है, ठीक है, उससे वो जो पलटे का काम ये करता है। हाँ, पहले दूध यहाँ पे मतलब 90 लीटर दूध पड़ा, ये बॉईल हो रहा है, ये बॉईल हो रहा है, फिर ये छना जाएगा, ये छना जाएगा, बाल्टियों से इधर जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। ये आपकी शानो है, मतलब शानो शोहरत जो भी कहो, यही है, सब कुछ यही है, यही लुक है, यही टेस्ट है, सब कुछ यही है। अच्छा, ये वाला दूध इधर कैसे पड़ता है? इसमें केसर पड़ता है, बस केसर और चीनी, शक्कर वगैरह सब डल के कंप्लीट रहता है यही। अच्छा, ये 70 साल से ये चल रहा है, शुरुआत यही से। उस टाइम पे मशीन नहीं थी, उस टाइम पलटे से ही काम चलता था, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उठाव भी नहीं था। शुरुआत 5-10 लीटर दूध से करी थी बाउसी में। अच्छा, धीरे 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 इस मुकाम पे आए। तो एक एरिया कौन सा पड़ता है? ये छावनी, छावनी इंदौर। और अपना दुकान का नाम है लक्ष्मी नारायण जी दूध वाले। पूछ लीजिए, कोई भी ले आएगा आपको। 70 साल का तजुर्बा हो गया, आपके बाबूजी ने दूध आपको ये विरासत में दिया। क्या रुपए ग्लास रहता जी? 30 रुपए ग्लास। एक लगवा ले भाई, इसमें कितना दूध आता होगा एक बारी में? 150-60 के आसपास, 150 लीटर आता होगा। अंदर से गहरा है थोड़ा ना, बाहर से फ्लैट है। इसको तो देख के इतना खूबसूरत लग रहा है, बंदे को एक ग्लास पीना होगा, दो पी के जाता होगा। हाँ जी अशोक जी, बिल्कुल। उधर नहीं करना ना, इधर ही करना है। हाँ, बस बस बीच बीच में आप तो धीरे धीरे चलाते रहो, बस ताकि दूध नीचे ना लगे। सही है, आज से हम लोग दूध भी आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, दूध की। आइए मसाला दूध पी के जाइए। ये मसाला है, एक ग्लास लगा दीजिए आप, अपने हाथ से पिलाएंगे, मजा आएगा हमें। ये सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट होता, मलाई उठाई और ये पड़ गई। मलाई का पीस भी बहुत मोटा है, फुल क्रीम रहता होगा, फुल क्रीम। मलाई का पीस देख के पहचान गए दूध का प्योरिटी। 5 बजे से उबल रहा है। 5 बजे से उबल रहा है, अच्छा बहुत सही। ये देखो जी फाइनल प्रोडक्ट, 5 बजे से ये दूध उबल रहा है, पहले उधर और अब इधर। अवधानी हटी, दुर्घटना घटी, चलाते रहना। मसाला बना हुआ है ये, इसके अंदर ये डाला। अच्छा, वो इलायची का मसाला होगा ना? इलायची, जायफल, जावत्री, वो मसाला दूध का कंप्लीट है, मिक्स है, उसके अंदर डाल के दूध से ये भर के। धन्यवाद जी, आपने समय निकाला हमें समझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दूध के अलावा और वेराइटीज तो है, मसाला दूध के अलावा, पर दूध जो है आगे शान है। रबड़ी है, ये है दूध पाक तैयार हो रहा है। उधर रंग देखो ना मिल्के का, पूरा भूरा है। थोड़ा सफेद ज्यादा रहते हैं, पूरा भूरा है, मस्त बना रखा है, डबल भूरा। मावे मलाई के लड्डू है, मलाई के लड्डू है, मावा और मलाई मिक्स रहती है, मावा मलाई मिक्स। ये रबड़ी है, रबड़ी एकदम मस्त। एक दूध की मास्टरी कर रखी है आपने अशोक जी। एक वो दूध पाक बन रहा है, चले जा रहा है। यहाँ पे दूध के आइटम कोई भी चलते ना, हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथ चलाते रहो। अच्छा, पहले जब आप बता रहे हैं जब शुरुआत हुई थी, तो वो वाला दूध भी जैसे अभी मशीन से बॉईल हो रहा है, ये ऐसे बॉईल होता होगा पहले? ऐसा बॉईल होता था ये, इसमें बहुत टाइम लगता होगा, बहुत टाइम लगता, और मेहनत लगने का भी डर लगता है। हाँ, वो स्टाफ अगर एक आदमी कोई आ गया मिलने, बात करने लगा, जैसे हम आ गए, तो वो काम बिगड़ा। ये बात ही सही, और वो एक बार बिगड़ा कि फिर बिगड़ा फिर वो इतना सारा आपका तो दूध भी इतना 100-100 लीटर बनता है। इंदौर में बहुत लोग मिलते हैं, इंदौर में लोगों का प्यार इतना है ना। लक्ष्मी नारायण दूध वालों की पुरानी दुकान का मसाला दूध पीते हैं, और यहाँ पे ना दूध जो पीछे देख रहे हो ना भाई, लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। ये डिपेंडिंग ऑन कितना गर्म चाहिए, पूरा गर्म चाहिए, आधा गर्म चाहिए, कोसा चाहिए, कभी ये पड़े में कोई आगे बोलेगा कि भाई पूरा गर्म उबलता हुआ नहीं चाहिए, कोसा चाहिए, तो ये वाला ग्लास पड़ेगा, एकदम उबलता हुआ चाहिए तो ये वाला, डिपेंडिंग ऑन जिसको जैसा चाहिए। ऐसा दूध मिल जाए, मलाई बहुत प्यारी सी, और जलेबी दिला दो बदलती दुनिया के बदलते रूप। 10 मिनट पहले क्या था दूध पाक, क्या हो गया, क्या से क्या हो गए तुम दूध, पूरा बन के रेडी है दूध पाक, अभी रेडी हो गया दूध पाक। 5 मिनट, इसको 15-20 मिनट लगता होगा, पूरा आधा घंटा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सारा सामान पलार रहता है यहाँ पे,
ये मावा बन रहा है। प्रोसेस फुल टाइम कुछ ना कुछ चलते रहता है। मावा बनने भी आधा पौना घंटा ज्यादा थोड़ा एक घंटा लगेगा। दूध पिया, मजा आया, बनते हुए देखा, आपको भी मजा आया होगा। वीडियो पे एक लाइक कर दो, है ना। ट्रैफिक का आवाज है, ट्रैफिक तो बहुत है भाई, शोर बहुत है इंदौर में, मस्ती बहुत है, तभी सीरीज का नाम रखा है इंदौरी मस्ती। लोग मस्ती से चलते हैं इंदौर में, है ना। इंदौर में क्या है ना, दिल की मस्ती खाने की मस्ती से मिल जाती है, और आपकी लाइक की मस्ती और कमेंट की मस्ती और चलते रहती है। मिलते हैं किसी और जगह पे कुछ और बेहतरीन जायका खाते हुए इंदौरी मस्ती में, एवरी संडे विद वेजी बाजी ऑन यूट्यूब है जी। कुकिंग बाजी भी है, ट्रैवलिंग बाजी भी है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब लोगों का, सब जगह पे हर चीज़ है। सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, जो मन चाहे वो कर देना। आगे दूध जरूर पी के जाइए, इंदौर में चक्कर काट के जाइएगा, हमें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं। फुल गर्म है, एक कोसा वाला भी लेते हैं। आर यू हैप्पी? नजरें इनकी यहीं पे अटकी हुई है। पीटा इसमें बहुत कंट्रोल्ड है। मिल्क केक, ये वाला कंसिस्टेंसी जो होता है ना, और ये कलर, जमे हुए खिलाड़ी हो गए।